ये एक समस्या है, पेड़ के अंदर में जो कीड़ा लगता है, कीड़ा पेड़ को पूरा सुखा देता है, नीचे राइजोम को ही खाने का शुरुआत कर देता है। सॉरी, राइजोम को नहीं कह सकते, मूल जो होता है पेड़ का उसको वो खाता है और उसको डैमेज करता है। ये देखो, ये वाला जो है, ये ऐसा नहीं कि ये सूखा हुआ है जिसको ज़रूरत नहीं है और सूखा दिया है, ये देखो पूरे को। ये देखो, ये पूरा जड़ देखो, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। ये जो है सुखाने का काम कर रहे हैं कीड़े जो इसके अंदर में आते हैं। ये देखो, ये समझना, चीज़ें समझने जैसी है। ये रहा जीरो, ठीक है, समझना। ये देखो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी तो नहीं, ये दो सिर्फ है जिसको कीड़े ने अंदर से तबाह किया। जहाँ पर भी मूल खाना शुरू कर दिया कीड़े ने, वहाँ पर ये समस्या आना शुरू होती है। देख सकते हो, यहाँ सामने देखो, इधर देखो, चलते आगे। बांस को कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी खाना शुरू हुआ है। जैसे ये देखो, ऐसे ही होता है, धीरे 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 खाना शुरू होता है और ये डिम होना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये देखो, ये एक, वो दूसरा, ये नीचे देखो तीसरा, चौथा, पांचवा। कीड़ा अंदर गया, उसके बाद में ऐसा नहीं है, देखो ना यार, ये रहा, इसके नीचे भी देखो, ये देखा, ये ब्राउन, समझो समझो, ये देखो पूरा प्लांट भी है। ये रहा, ये देखो, ये गया। दीपक जी, ये क्या है, ये जो समस्या आना शुरू हुई है, अलग अलग मैंने देखा, अभी पहले एक दो पेड़ में ही था, लेकिन अंदर हम आते 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 आए तो 20-25 पौधों के अंदर में मैंने देखा कि इस तरीके से पौधे सूख रहे हैं। वो उस लाइन, जिस लाइन ने शुरुआत होती है ना जी, उसी लाइन तक। अभी पीछे मुड़कर देखिए जी, अभी उधर है, देखिए, हाँ है, बराबर है। इस लाइन और दो लाइन में ज्यादा जी, पहली दो लाइन पे सबसे ज्यादा है जी, जी जहाँ से शुरुआत है वो लाइन पकड़ता है, और एक से वो दो, उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ होता है गुमनी का, बराबर, एक से दो बनते, दो से तीन, वो लाइन में, उस लाइन में जाते हैं। ओके, वही लाइन पे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको मारने का, उसको भगाने का, या अपने को सॉल्यूशन क्या है इसका? थीमेट बोल के आता है, और फोरेट बोल के, फोरेट और थीमेट, ओके, दो 5 ग्राम लेने का जी, और 5 ग्राम ऐसा राउंड, ऐसा राउंड डालने का। अच्छा, नजदीक नहीं, बाहर के बाजू में, वो पाउडर फॉर्म में ही आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और वही दोनों को मिक्स करके जो है वो सिर्फ जो भी ग्रेनुलिया पाउडर जो भी है, हाँ, जो भी है, उसको पौधों के वहीं पे आसपास में ऐसे ही आसपास लगाने के, क्योंकि वो पॉइजन होता है। ओके, रूट को नहीं जाना चाहिए वो, बराबर है, साइड में लगाने के, इसका बास आता है गंदा, कि वो बास से ऊपर आते है, ओके, पॉइजन रहता है, वो मर जाता है। ओके ओके ओके, उसमें पॉइजन रहता है और एक गंध रहती है, वो गंध के कारण जो है कीड़े अट्रैक्ट होकर उसके पास आते हैं। यानी कि लो पॉइजन, हाँ लो पॉइजन, बराबर, उसको मारने के लिए जितने लगता है जी 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 जी, वो केमिकल पॉइजन के रूप में आता है वो, बराबर, छोटा कीड़ा है तो छोटे कीड़े के हिसाब से जो जरूरत होगा, बराबर है। तो ये मैंने देखा इसके अंदर में बीच बीच में ऐसे सूखे हुए तो थे, लेकिन उसके बाद में भी सूट आ रही है, राइजोम नीचे डेवलप हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, एक राइजोम से दूसरा जैसा ये बढ़ रहा है जी, अटैक जी, राइजोम भी बढ़ रहा है। जैसे प्लांट अगर छोटा होगा और दो ही राइजोम हो गए और उन्होंने दो राइजोम को या तो मूल को डैमेज किया, हाँ, तो वो प्लांट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन नहीं, यदि वहाँ पे राइजोम 7-8 है और सिर्फ मूल एक या दो को ही डैमेज किया, तो दूसरे राइजोम से पौधा तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन इसको कंट्रोल, लेकिन उसको पहले कंट्रोल कर लेना पड़ेगा, तभी पौधा बच पाएगा जी। क्या होता है, फास्ट में उसका साइज बढ़ जाता है, वो पहले इतना रहता है, वो इतना होता है, इतना होता है, जैसा जितना पानी बढ़ता है उसके अंदर जी, वो फूक
ऐसा उसका उसका वेट बढ़ जाए, उसकी ताकत बढ़ती है। ये तो ज्यादा पानी वाली जमीन जो होती है उसमें ये ज्यादा रहते होंगे ऐसा है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने 150-200 से ऊपर फार्म जो है विजिट किए है, अभी तक हमें ये समस्या कहीं पर भी नहीं आई थी। महाराष्ट्र में ये पहली समस्या हमें दिखाई दी। बीच में जब पानी कम होता है प्लॉट में, जी जी जी, तो साइड के जमीन में भी रहता है, उधर से भी आता है अटैक। हाँ, नेबर वाला अटैक भी होता है। ओके, उसमें भी आ सकते हैं। नहीं तो ज्यादा बारिश हो गया जी, वो पानी के साथ भी इधर आते हैं। बराबर है के प्लॉट पे। ओके, जब बारिश रुकता है तब पानी नीचे जाता है, तो उतना अपना काम उसको जब तक पानी है तब तक अच्छा है। उसको पानी उधर प्लॉट में कम हो गया, वो पानी ढूंढना चालू करता है। उस कीड़े को यहाँ महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? पानी बोले तो ओवर वाटर फुमनी हुमनी कहते हैं। ओके, ये जैसे यहाँ पर आपके आसपास में पोमीग्रेनेट भी हो रहा है, तो उसमें भी वो कीड़ा जाता है, वो वाला है किधर भी। इसका एक ही रीजन है कि लोग जो गोबर डालते हैं जी, वो मॉइस्चर वाला डालते हैं। ओके, वो जो सफेद कलर का छोटा छोटा जो आता है वो हुमनी हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ाता है ना, वो तो ठीक है, ठीक है। जी जी जी, गोबर में जो देसी खोबर गोबर का खाद जो होता है उसी में वो जो वेट वाला होता है, वेट कंडीशन में। जी जी जी, मॉइस्चर वाला जो होता है, मॉइस्चर वाला होता है जी, ये रहता है। यस, ये हो गया कीड़ा। आपको ये भी दिखा दे, एक्चुअल हर जगह का लैंग्वेज अलग रहेगा, तो उसको अलग अलग तरीके से अपन जान सकते हैं, लेकिन कीड़ा यही है। ठीक है, गोबर के अंदर में भी आता है, गोबर के अंदर जी 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 जी, व्हाइट कलर का जो है वो कीड़ा रहता है ये। बराबर, यस, तो उसका उपचार यही है आपने जो बताया वही जी। सभी क्रॉप के लिए कॉमन है सभी, वो कहीं पर भी कोई भी खेत में हो वो सेम ही सोल्यूशन है उसका। बराबर है, यस। इसमें मेरे को दिख रहा है वो पीछे वाला जो है सबसे ऊंचा हो गया है, उसका क्या रीजन है? या वो दूसरा कुछ है? दूसरा वो क्या है? वो पुराना वाला हमने लगाया था 4-5 साल पहले। देसी का है, देसी। हाँ, देसी वैरायटी, ऐसे ही लगाया था। बराबर, छोटे पत्ते रहते हैं वो बम्बे, वो जो ये मानवेल जिसको कहते हैं या टेक्टस कहते हैं वही है? नहीं, वो वैरायटी अलग है, कटेरी है वो। कटेरी है, कटेरी, कटंग जो बोलते हैं। सेम कटंग, बराबर, देसी वैरायटी में आता है। ये है बांस और बांस की खेती। हर समस्या अलग अलग खेत में रहेगी ही, अपॉर्चुनिटी जो है वो बांस में सबसे ज्यादा है। समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान भी अपने पास अवेलेबल रहता है, यदि हम समस्या को समझ पाए तो। अगर हम यही बोल दें कि इसमें स्ट्रेस आ गया, इसमें फ्लावरिंग हो गई, इसमें फलाना हो गया, ढिंगला हो गया, तो नहीं बात बनेगी। क्रॉप डॉक्टर की ज़रूरत ही इसके लिए है कि क्या समस्या है, उसको समस्या को समझे, और एक प्लॉट पे अगर समस्या आई है तो दूसरे प्लॉट पे वो समस्या ना आए, दूसरी चीज़ खराब ना हो, उसके लिए वो गाइड करता जाए। हम बेसिकली यही काम करते हैं, कहीं से सीखे तुरंत आपको यही चीज़ सिखाई। हमारे यहाँ पर जितने भी क्रॉप डॉक्टर हैं सब लोग अपने हिसाब से अपने काम के अंदर में माहिर हैं। कई बार हम सीखते हैं, कई गलतियाँ भी करते हैं, गलतियाँ से ही सुधार होता है, और हम अपनी ही गलतियों को नेचर पे ना थोपे। हमारी गलती है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमें कुदरत ने दूसरे सबके मुकाबले में ज़्यादा दिमाग दिया हुआ है। सिर्फ ज़रूरत इसी जगह पर है उसको चलाने की, बाकी कई जगह पर हम चलाते हैं जहाँ पर हम खर्च बढ़ाते हैं, कई जगह पर हम चलाते हैं कि हम व्यस्त बैठे नहीं, काम ही करते रहे, वहाँ से फुर्सत करें। और इसी जैसी अलग अलग समस्या का समाधान कहाँ से आ सकता है, समस्या इकट्ठा कहाँ से हो रही है, और उसका समाधान टाइम पे कर ले, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो ऐसी ही चीज़ करते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच।